इस हिंगन घाट नगरी में पधारे उपस्थित बहनों और भाइयों, महान संत भोजाजी महाराज की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से नौ संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय नववर्ष गुड़ी पाड़वा का पावन त्यौहार, मैं आप सबको इस पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पावन धरा को इसलिए भी नमन करता हूं कि भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्धा को अपनी कर्म भूमि बनाया था और यहां के माध्यम से उस समय उन्होंने देश के अंदर विदेशी हुकूमत को, उसकी चूना को हिलाने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, वह अभियान महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता ने हाथों हाथ लेकर के भारत की स्वाधीनता को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, सातों चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में, और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है, सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है, और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है, और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। मैंने इसलिए भी कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और हम लोगों ने वृंदावन मथुरा को होली के लिए रंगों